सीट, यानी कुल मिलाकर 90 का आंकड़ा और 90 के आंकड़ों में अब दिस इज द फाइनल टैली। गुलिस्तान न्यूज़ एग्जिट पोल जी, बीजेपी 28 से 30 सीटों के दरमियान, यानी जो मैंने कहा था कि हमने नैरो डाउन कर दिया जी, तीन सीटों का सिर्फ 10-15 होता है विनोद जी, हर जगह हमने देखा है right, right. लेकिन हमने नैरो डाउन करके बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, 28 से 30 सीटें कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, कांग्रेस 3 से 6 सीटें, शायद इन्होंने इस तरीके का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। कांग्रेस के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 28 से 30 सीटों पर इस वक्त उबरती हुई नजर आ रही है और ये बराबर का टैली हमारे सामने 28-30 यहां पर है। पीडीपी 5 से 7, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन 1 से 2, अवामी इत्तेहाद पार्टी 1 से 2, अपनी पार्टी सईद अल्ताफ बुखारी भी 1 से 2 सीटों पर आ सकते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है ये बाजी मारेंगे 7 से 11 के बीच में, ये रहेंगे टैली -3 -4 के बीच में ही आप देखेंगे ये सारा। हाँ। लेकिन बड़ी बात ये कि ये 11 क्या करेंगे, अपनी पार्टी जिन पर कोई विप नहीं लगेगा वो क्या करेंगे, पीसी और इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप मानते हैं इस बात को? 100% मुझे मुझे याद है कि लास्ट चुनाव एक हुआ था जब सज्जाद गनी लोन साहब ने डमी कैंडिडेट्स उतारे थे मैदान में, नॉर्थ से वोट जीत कर आए थे, तब भी सारा क्यू उनके पास चला गया था, तारिगामी, हकीम यासीन और वो नॉर्थ कश्मीर से जो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे थे वो थे और कुछ लोग थे, उन्होंने सारी सरकार चला दी, सोफी साहब थे, राजवा राइट साहब, महीदीन सोफी साहब थे मरहूम, और भी कुछ लोग थे। तो ये टैली है जी कुल मिलाकर जम्मू प्रोविंस की, हमने आपके सामने रख दी 5-1-30 और कश्मीर प्रोविंस की भी टैली आपके सामने फटाफट से रखेंगे, जिसके बाद एक बार फिर फाइनल टैली को रखेंगे, मेहमानों के पास चलेंगे और उसके बाद वो तमाम सीटें आपके सामने आएंगी जिसको लेकर आप सुनना चाहेंगे कि कौन कहां पर है, कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। तो फिलहाल गुलिस्तान न्यूज एग्जिट पोल 2024 आपके सामने, 28 से 30 सीटें बीजेपी, 28 से 30 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 3 से 6, पीडीपी 5 से 7, पीसी 1 से 2, बाकी सब में 1 से 2 आप देखेंगे, लेकिन अदर्स 7 से 11। और ये नंबर जाहिर करते हैं कि जो विनोद जी पकड़ पकड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से पूछ रहे थे कि कश्मीर से अगर आपको नेतृत्व मिला और बीजेपी, कांग्रेस से ज्यादा है इंडिपेंडेंट, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें सीपीआईएम का भी